नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल मोक्स में। आप मेरी तरह दोस्तों कभी ये गलती मत करना, क्योंकि मेरा सीसेक्स एक्सचेंज का अकाउंट है जो हैक हो चुका है, और आप अपनी ट्रेडिंग सीसेक्स अकाउंट से करना भी बंद कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पर अभी ट्रेडिंग सेफ नहीं रही है, आपके पैसे वहाँ पर जा सकते हैं। और कैसे हैक हुआ है और किसने हैक किया है वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो दोस्तों देखते रहिए इस वीडियो को। दोस्तों ये मेरा सीसेक्स क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज का अकाउंट है, जिसमें मेरे बिटकॉइंस और कुछ बाकी ऑल्ट कॉइन थे वो चोरी हो चुके हैं। और हालांकि मैंने ये काफ़ी पुराना अकाउंट है मेरा, जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तब का अकाउंट है। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा काम करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि उसके बाद तो अच्छे अच्छे एक्सचेंज और आ गए, और सीसेक्स का भी काफ़ी मतलब अभी पॉपुलरिटी इतनी रही नहीं है, तो इसमें मैंने काम करना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी इसमें मेरे कुछ बिटकॉइन कुछ ऑल्ट कॉइन थे। तो हालांकि देखो यहाँ पर मैंने यूएस डॉलर के अंदर मेरा बैलेंस चेंज भी नहीं किया था, लेकिन इसमें जो अमाउंट थी वो बीटीसी में और डोज कॉइन में पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर जिसने हैक किया उसने यूएस डॉलर के अंदर विड्रॉल लिया हुआ है। और ये 3-4 दिन पहले मुझे पता लगा था, और मैंने कुछ ईमेल सीसेक्स को जिन्होंने हैक किया हुआ है जहाँ पर पैसे गए हैं उनको भी किया था। तो सारी जो भी बातचीत हुई है उसके बाद भी अभी आज मैंने जब वीडियो बनाने के लिए फिर मैंने अकाउंट खोला तभी भी मेरा पासवर्ड चेंज हो चुका था, फिर मैंने नया पासवर्ड मंगा के मैंने ये वीडियो बनाने के लिए ये खोला हुआ है। तो अभी भी वो जिसने हैक किया हुआ है अभी भी मेरे अकाउंट का वो यूज़ कर रहा है। तो मैं आपको दिखा दूं कि कैसे कितने पैसे थे वहाँ पर, कैसे गए थे। ये देखिए यहाँ पर मैंने है ना काफ़ी दिनों से इसको लॉगिन भी नहीं किया हुआ है, और इन्होंने 3 तारीख को यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने लास्ट में 16 जनवरी को मैंने इसका यूज़ किया था, 16 जनवरी 2018 को यूज़ किया था। ये ट्रांजेक्शन मैंने किया था लास्ट में, मैंने कुछ MCAB वो कॉइन थे वो मैंने बेच दिए थे, वो वाला मैंने ये किया था मैंने। उसके बाद में यहाँ पर 18/1 यानी कि 18 जनवरी को यहाँ पर हैकिंग शुरू हुई है। उसके बाद में कुछ MCAP थे उन्होंने, फिर जिसने हैक किया हुआ है उसने कुछ यहाँ पर BTC में ट्रांजेक्शन किया हुआ है। उसके बाद में 3 तारीख को फिर उसने खोला हुआ है अकाउंट, और 3 तारीख को उन्होंने डोज कॉइन को फिर उन्होंने US डॉलर में कन्वर्ट किया हुआ है, ये देख सकते हैं। उसके बाद में फिर उन्होंने 3 तारीख को ही फिर BTC जो थे मेरे पड़े थे उसको भी उसने सीधे US डॉलर के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। उसके बाद में सीधा उसने 3 तारीख को विड्रॉल लगा दिया है इसका $23 का, और कहाँ पर लगाया विड्रॉल आप देख सकते हैं यहाँ पर 23.31 US डॉलर का विड्रॉल लगाया उसने पेड के अकाउंट में, जो पेड एक वॉलेट है जिसके अंदर आप डॉलर के थ्रू पैसे ले सकते हैं और भेज सकते हैं, और वो पैसे आपके अकाउंट में भी जा सकते हैं या आप वहाँ से भी उस पैसों का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेयर की आईडी है P8296860 और ये आईडी ने मेरा जो अकाउंट है वो हैक किया है, वो पैसे वहाँ चले गए हैं, $23 वहाँ पर चले गए हैं। तो मैंने पेयर को भी ये मेल किया था, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया क्या रिप्लाई दिया वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे ये अकाउंट हैक हो चुका है और ऐसे मेरे पैसे जो है चोरी हो चुके हैं इसमें से। तो दोस्तों मैंने इसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगाया था, वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं भी लगाया तभी भी आपको एक कंफर्मेशन मेल तो आती है ईमेल के अंदर, जो मुझे सीसेक्स नहीं दे रहा है कंफर्मेशन, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बार कंफर्मेशन मेल तो आनी चाहिए कि अगर आप विड्रॉल करते हो तब आपके मेल के द्वारा कंफर्मेशन हो तभी ही आपका वो विड्रॉल होता है, अदरवाइज़ आपका विड्रॉल जो है कन्फर्म नहीं होता है। लेकिन सीसेक्स के द्वारा मुझे कोई ऐसी मेल आई नहीं है, और तो कहीं ना कहीं सीसेक्स का इसमें बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, क्योंकि कोई इतना हैकर इतना कंफर्मेशन लिंक को डाइवर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बिना कोई सीसेक्स अंदरूनी आदमी के मतलब इन्वॉल्व हुए बिना। तो ये चीज़ है इसके अंदर, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो जो प्रूफ है जो मैंने सीसेक्स को मेल किया था उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, मैंने पेयर जो कि जिन्होंने ये पैसे जहाँ पर गए हुए हैं उनको मैंने मेल किया था उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है, वो सारी आपको मैं चीज़ें दिखा रहा हूँ। आपने अभी देखा कि जो मेरा अकाउंट हैक हो चुका है उसके अंदर से $23.31 वहाँ से चुराए गए हैं। तो इसमें मैंने जब सीसेक्स को ये मेल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया, ये आपके समक्ष एक मेल है, उनका रिप्लाई है, उन्होंने ये बोला है कि आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना चाहिए था और हम ये प्रूव कर सकते हैं कि आपको हमने ईमेल भेजा था, कंफर्मेशन लिंक भेजी थी। क्योंकि होता क्या है कि जब कोई पेमेंट कंफर्म होना है या कोई भी विड्रॉल आप लेते हो या सपोज कोई भी ऐसी चीज़ जो
पैसों का रिलेटेड हो जो एक्सचेंज के थ्रू हम करते हैं, तो एक कंफर्मेशन लिंक आती है, कंफर्मेशन मैसेज आपके ईमेल के ऊपर आता है, तो उसे आपने वेरीफाई करना होता है, तब जाके वो आपका ट्रांजेक्शन वो कंफर्म होता है। लेकिन मुझे कोई ऐसी लिंक भी नहीं आई और ना ही मुझे कोई कंफर्मेशन मेल ऐसा आया है जिसके द्वारा मुझे पता लगे कि कोई मेरा अकाउंट हैक कर रहा है या कोई मेरा अकाउंट से पैसे चुरा रहा है। लेकिन सीसेक्स ये बोल रहा है कि हमने आपको ये लिंक भेज रखी है, हम ये प्रूव कर सकते हैं, और इनका यह दावा है कि ऐसे जो मेल है वो सर्वर से हटाए जा सकते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी ऐसे मेल जो है वो यहाँ से हटाए जा सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे मेल हटाए जा सकते हैं तो फिर ये बिना किसी सीसेक्स अकाउंट के अंदर के आदमी के बगैर ये हो नहीं सकता है। क्योंकि अगर कंफर्मेशन लिंक और कंफर्मेशन मैसेज जो भेजना है वो सारा सारा काम हो सीसेक्स का होता है, और अगर सीसेक्स चाहे तभी उस मेल को अगर वो डाइवर्ट कर सकता है या उस मेल को वो जो यूजर्स के पास में पहुंचने से रोक सकता है। तो सबसे बड़ी जो गलती हुई है वो यहाँ से हुई सीसेक्स के थ्रू। सीसेक्स ने ही किसी अंदरूनी आदमी ने ये किया हुआ है, और वहाँ पर ही कोई ऐसा फॉल्ट है जिसके कारण मतलब ये हैकिंग हो रही है। दूसरा, मैंने जो पेड यूज़र जिसके द्वारा मेरा अकाउंट हैक हुआ है, जिसका अकाउंट है पेड का, उसके अंदर जो पैसे गए हैं पेड में भी मैंने मैसेज किया था, उनको भी मैंने ईमेल किया था, उन्होंने जवाब दिया कि जो कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन है वो कैन नॉट बी कैंसल और रिफंडेड। तो कोई भी जो कंप्लीट ट्रांजेक्शन हो जाता है वो आप कैंसिल भी नहीं कर सकते और वो रिफंडेबल नहीं है, तो उन्होंने ये रिप्लाई दिया। लेकिन मैंने दोबारा उसको मेल किया है कि ये एक हैकर है और इस हैकर का आप अकाउंट ब्लॉक कीजिए, जो भी उसके अंदर पैसे है, जो भी उनके ट्रांजेक्शन जो हो रही है उस पर नज़र रखे और उसमें उस अकाउंट को ब्लॉक कीजिए। तो उन्होंने हमारे को थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा दिया हुआ है। लेकिन सीसेक्स ने जो ये रिस्पॉन्स दिया बिल्कुल ही गलत रिस्पॉन्स दिया है, क्योंकि आप देख रहे हो कि धीरे जब से सीसेक्स चल रहा था तब से थोड़ा ठीक ठाक पहले चल रहा था, लेकिन अब धीरे 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 सीसेक्स की ट्रेडिंग बिल्कुल ही कम होती गई है, और बीच में तो बंद भी हो गया था फिर दोबारा चालू हो गया है। तो सीसेक्स के ही लोग हैं जो ऐसा काम कर रहे हैं और लोगों के अकाउंट वो हैक कर रहे हैं जिन्होंने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं लगा रखा है या जो अपने सिक्योरिटी ज़्यादा ध्यान में नहीं लिया। थोड़े पैसे इसमें कम थे इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, और काफ़ी पुराना अकाउंट था, मैं पहले इसमें ट्रेडिंग कर रहा था, बीच में मैंने इसको बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी पैसे तो किसी यूजर्स के हैं ना, तो जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनके हैं, तो फिर भी ये छोटी छोटी अमाउंट भी ये लोग चोरी कर रहे हैं। और क्योंकि अकाउंट आप देख रहे कि सीसेक के ऊपर बिल्कुल ही कम वॉल्यूम अभी है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा दिन तक एक्शन चलने वाला है, और अगर ऐसे ही ये लोग करते रहे तो एक्सचेंज भी बंद हो जाएगा और इनका नाम बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने जो गलती किया है आप ये गलती मत करना, आप सीसेक में ट्रेडिंग करो ही मत, और अगर बाकी किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पक्का लगाना, उससे भी अच्छी कोई सिक्योरिटी है तो वो भी लगाना आप, तब जाके आपके पैसे वो सुरक्षित है। नहीं तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर हैकिंग और ये जो चोरी वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा चल रही है। तो दोस्तों, इन सब से बच के रहना, और मेरा तो लॉस हो गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको ये जानकारी और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।